गिरते गिरते ये ना हो कि लुढ़क लुढ़क के बाहर गिर जाना। ऐसे बारिश में पतंग ज्यादा नहीं करेगी रुचि। जैसा कि आप लोग देख के समझ गए होंगे कि आज है मनाही का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं वही सेलिब्रेट करने। और काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होगा कि इतने दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं आए, तो भाई ऑफकोर्स तबीयत सबकी डाउन थी, पहले अम्मी की हुई तबीयत ख़राब, फिर मेरी, तो सभी की तबीयत ना काफ़ी ख़राब चल रही थी। हाँ, इसकी सबसे पहले इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो ऐसी पूरी चीज़ चलती है जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी तो बंदा क्या मतलब अपलोड करता। आप लोग देखने से ज़्यादा स्किप करते व्लॉग को, तबीयत खराब में क्या ही ब्लॉग बनाती है आप लोगों के लिए। लेकिन खैर, अब बना रही हूँ ब्लॉग, तो आप लोगों ने अपना प्यार दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने जो करना है वो तो आप लोगों ने करना है, ताकि मैं आप लोग के और सारे ब्लॉग्स बनाती रहूँ। तो सब जाके बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और आज जैसे मौसम नो डाउट बहुत ज़्यादा ही प्यारा हो रहा है और ये सारे में भी प्यारे हो रहे हैं। जैसा जैसा होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। चलते हैं, अभी ऐसे हवा हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, और खैर घूमने का मतलब तब आता है जब आपकी तबीयत ठीक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हम बेहतर हैं, काफ़ी हम सही, और यहाँ आप देख लें मेरा आउटफिट ऑफ द डे, नो प्रॉब्लम। और साइन का तो आप सब देख ही चुके होंगे, और कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि सब गाड़ी में है, तो कुछ चल के दिखाते हैं आप। तो भी डिनर में तो टाइम था, तो हम लोगों ने जब तक सोचा कुछ, हमने लंच वगैरह नहीं करा हुआ था, तो आज के लिए हम लोग ने अभी आए हैं नमकीन बोटियाँ वगैरह खाने, तो सब वही खा रहे हैं। दिखाया ही नहीं। अभी सही से उतरेंगे, कहीं जाएंगे तो फिर दिखाऊंगी ना, सही से सबको दिखाऊंगी, अब बताऊंगी। मैं तो कुछ खाऊं क्योंकि सिर्फ ब्रेकफास्ट करा हुआ है हम सभी ने। मुझे बोलती है कि ना तुम तो इतनी लेट लेट खाती हो, तुम इतनी एंड तक के रह जाती हो, और अभी खुद क्या सबने खा लिया, सबने खा लिया, सबकी बच्ची भी रखी हुई है बुटिया की, वो सभी सब खा सब खाएंगे। ये देखेंगे छोड़ दिया और मेरे पे नाम डाल दीजिए। Yes, मैंने पूरी फिनिश कर ली अपनी प्लेट, और मैंने बस थोड़ा सा ही खाया। अब्बू ने मंगवाई है बोटी, कहीं नहीं मंगवाई, मैंने मंगवाई बस वो थी, वो ही थी मंगवाई मैंने। खाना खा, हाँ हाँ वही क्या मैं बोला, जुलम हो रहा है इस बच्ची पे सब। ये देखें आप, ये देखें कैसे खाया जा रहा है, जल्दी दो आप। अब मांग ना, चर्बी रह गई इसके अंदर बस। गाइस मैं मछली पुलाव खा रही हूं, सिंधु दरिया तो नहीं, काबुली प्याज अंडे में कर लो, निकाल दी सबने, मैं पीछू का डब्बा। नमकीन बोटी नाम सुन के ही प्यार हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को चॉकलेट ज्यादा पसंद है फिर वैनिला, ये बताइएगा ठीक है, आप इसको बता दिएगा। तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे कबाब चीज पे, और अभी हम जाएंगे मनाहिर का केक लेने आए हैं, बेसिकली हम आए हैं जो यहाँ पे मनाहिर का केक की वजह से। अब चलते हैं और देखते हैं कि इसको क्या ही पसंद आता है, क्या इसमें देखना है लेना है, ताकि आर हेयर एट खान साहब। हम आए हैं खान साहब में, एंड हेयर इज आर बर्थडे गर्ल मनाहिर इरफान। ये आप देख सकते हैं वो पागल हुई हुई है ये और ये खान साहब के घर आके अपग्रेड करा है। हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे नबीहा की बर्थडे पे, और अभी पहले ऊपर का तो नहीं था ना, यहाँ इन्होंने काफ़ी कुछ ज़्यादा ही से चेंज कर दिया है। पहले सिर्फ नीचे नीचे तक का ही था, अब इन लोगों ने ऊपर तक ही बना रही है, तरक्की आ रही है यहाँ पे खान साहब में। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इन लोगों के डायनेमिक प्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से मैं यहाँ बार बार आती हूँ। तो बस अभी आए हैं, देखते हैं क्या इनके डायनेमिक प्रॉन्स का टेस्ट वही है या चेंज हो गया है। ये आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा ये पूरा इन लोगों का प्ले एरिया है, मेरा बहुत झूला है बचपन में, और आज हवा भी बड़ी मस्त चल रही है, इससे मेरे बाल बार बार खराब हो रहे हैं। खैर
अभी बस देखते हैं इसकी बर्थडे वगैरह का लेकर आई है साथ में। मतलब तो हवा इतनी तेज और इतनी स्पीड से चली थी कि मैं इसके पिक्चर्स बनाए और मुझे ऐसा मैंने विग लगाई थी और मेरे बाल उड़ जाएंगे भाई। बहुत तेज हवा चल रही है भाई यहाँ पे, बहुत तेज। वीक नहीं है, यही तो शुगर है। और ये अम्मी का आउटफिट ऑफ द डे है, जिसके इसको अपना आउटफिट दिखाना है जल्दी आ जाओ। और ये सुबह का आउटफिट ऑफ द डे है, नाहिल का आउटफिट ऑफ द डे कहाँ है दिखाओ मनाहिल। इसके बाप के पास है इसका आउटफिट ऑफ द डे, ठीक है बाहर आ जाओ। इतना अच्छा हेयर स्टाइल बना के दिया इसमें, लेकिन ये हवा की वजह से मुझे सब खोल के इस तरह बनाना पड़ा क्योंकि नहीं संभल रहे बाल, बिल्कुल भी नहीं संभल रहे। And here you can see the outfit of Manahil. Finally, यहाँ पे जो भी हमें करना था हमने कर लिया है। बाकी जो मतलब सब मतलब सेटअप लाए थे अपने साथ कि बैलून लगाएंगे, बैलून और मतलब जो बेसिकली जो होता है सब कुछ, वो हमने सब कुछ लिया थे। एंड देन इन्होंने आगे से हमारे लिए अलग से कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर इन्होंने हमारे लिए ये सेटअप करा। हम अपने बलून सजा लेकर आए थे, हम वो कर ही रहे थे, सजा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी, तो बस अब हम सेलिब्रेट क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। आप लोगों और आज तो हवा माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी चली आज तो हवा। एक इस लड़की के बाल एकदम अलग है, सब कुछ सही हुआ है। ये देखो सब ब्रश लेके फिर से साथ में बस यूँ हो हवा की तरफ रुख करें और अपने बाल से। यही है भाई, यही मैं तो इतना ब्रश ही नहीं करा क्योंकि मेरे मुझे पता है बालों की हालत बुरी हो जानी है जितना भी सेट कर लूँ मैं। कहीं से कहीं पाउच उड़ गया हमारा, गिट्टा ले गया, गिट्टू के जाने का दुख है बहुत। अब ऐसा नहीं हो कि केक भी उड़ जाए, बहुत सब कुछ ही उड़ रहा है भाई यहाँ पर। एक आई पहले सेटअप कर लें, देन हम आपको दिखाते हैं पूरा घर का। सबसे छोटा पटाखा है हमारा, तो इसके लिए तो फिर हमें इतना करना बनता ही है ना भाई, इसीलिए। समान आदर है, चलो वापस आपस है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, आराम से भाई उंगली नहीं खा जाना, फाड़ती हैं अम्मी फाड़ेंगी। अम्मी दूर रख के फाड़ो, बम फाड़ रहे गाइस, यहाँ पे बम नहीं फट रहा किसी से। लाइन लगाओ कर खिलाने की। खा लेना, मैंने अभी तक एक चखा भी नहीं है। तो खा लो, चख ले। बिस्मिल्लाह, मेरी एक बार ये फंस गया सी। सो गाइस ये सब खड़े हुए हैं मनाही की बर्थडे में, सब हमने मेहमान बुलाए थे आप देख सकते हैं।
छोटी सी बच्ची की बर्थडे पे खुशियों में, और यहाँ हम भी हैं। बहुत हालत खराब हुई भी है, हवा ने आज बहुत काम खराब करा है। जब चली होती तब चली गई, अब चल रही है हवाएं। और यहाँ देखें भाई साहब, अपनी आंखों में से पानी भी आ रहा है। मैं अपने ग्लासेस भी लाना भूल गई गाइस, बड़े बैग से। कैप उड़ रही है, बाल उड़ रहे हैं किसी के, कुछ उड़ रहा है भाई साहब। ये रेस्टोरेंट खान साहब वालों ने पूरा कॉम्प्लीमेंट पूरा अरेंजमेंट करा था, मजा आया हम लोग को, अच्छा लगा। सो गाइस फाइनली हम लोग वॉशरूम से फ्रेश हो चुके हैं। आप लोग हमें हालत देख के ही लग रहा होगा कि काफी सुधरी हुई हो गई हूँ मैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये लोग क्या मेरे बहन भाई पागलों की तरह लगे हुए हैं। बर्थडे एंजॉयमेंट हो रही है मनाहिल की फुल। और ये पागल मुझे कह रही है कि मेरी भी पूछ लो अंकल से कि मैं भी जा सकती हूँ। हाँ कश्ती में बैठेंगे हम लोग, चलो कश्ती में बैठने। हाँ पर बैठूंगे अभी, चलो भाई। मैं बचपन में बैठी थी और अपने खाला और मामू के साथ बैठती थी हमेशा। बहुत जिद करती थी ये, बहुत जिद। और मैं इतनी सी होती थी, मतलब सारी मुझे इतनी होती थी, मैं जिद कर करके बैठती थी कि नहीं मुझे बैठना है। और वो मुझे पकड़ के बैठते थे एक जगह बराबर, मैं खाला पकड़ती थी पीछे से मामू। ऐसे ही अब मैं बीच में बैठूंगी और ये दोनों मुझे। तो बहुत टाइम बाद मैं जाने वाली कश्ती वाले झूले पे, तो जाके ट्राई करेंगे। बस अंकल ने 100 रुपए का टिकट रखा है भाई हर झूले का, तो खैर ये लोग इसका भी रखा है भाई। तो खैर ये लोग तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, इन लोग के थोड़ा टाइम है अभी। पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने ले ली है वहाँ पर, और ऐसी कोई क्लासी पिक्चर्स नहीं। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पे जाके चेक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और बस अभी लोग खाना शुरू करेंगे, क्योंकि जल्दी आ गए थे, अभी हमने डिनर भी ऑर्डर कर दिया है। गिरते गिरते ये ना हो के लुढ़क लुढ़क के बाहर गिर जाना। चलो आ जाओ, हम चलते हैं। ये चांद के बस जमाने में सही सही, मतलब चांद पे परियां रहती हैं, बिल्कुल आज ट्रू हो जाएगी वाली कहानी। नबी अपनी बेगम को लेके निकलने लगी हैं अभी बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी हम जा रहे थे कहीं खाना खाने के लिए, निकले थे नॉर्थन एरियाज के लिए अपने स्कूटर पे बैठ के। डायरेक्ट चांद से परियां स्कूटर पे आ गई। पिक्चर्स यहाँ से हो गई हैं, चांद पर भी हो गई, फिर स्कूटर पे हो गई, सारे जमीन सब सब जगह हमने पिक्चर्स वगैरह ली, सब जगह हमने पिक्चर्स वगैरह ले ली हैं। और बस देखते हैं हमारे बच्चों का कहाँ तक, मेरा दुपट्टा दोनों ही पीछे की तरफ निकल गए, सॉरी। अब हम जा रहे हैं उसके अंदर, यहाँ नवे की फट रही है। हम लोग बैठ चुके झूले पे। हालत देखने वाली है नबिया की, सुन ये वो खड़ी होके अम्मी देख रही हम लोग को। अंकल जी झूला रोक दीजिए, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे हाथ वाइब्रेट होने भाई, मजा आ गया वैसे। सबसे पहले मैं गिरती, मैं बिल्कुल नोक पे बैठी थी शौक से, और बस मजा आ गया। ज्यादा आसमान में आई थी ग्रेविटी, ग्रेविटी खत्म हो रही थी इन लोगों की। मुझे तो सच में ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगी उतर के ना मुंह के बल।
ऊपर से मैंने खाना देखो डायरेक्ट बैठ गई। नहीं नहीं बस बस रोक दे। अच्छा इन दोनों ने पहली बार ही एक्सपीरियंस करा है वैसे। मैंने तो बचपन में ही बैठी थी। लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, लोग तो मुझे लेके गए। चीटिंग 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 करता है तू। तो बोला था मैं तुम्हें इधर बैठूंगी, मैं इधर बैठूंगी और किंजा भी एंड में चली गई और मुझे लोगों ने अकेला छोड़ दिया। मुझे मेरे अकेला छोड़ दिया। झूठ बोल रहा है। पूरे वीडियो में तुम्हारे पकड़ी थी। मुझे इतनी फट रही ऊपर से, मुझे चक्कर आ रहे थे। आ रहे अम्मी जी, अम्मी क्या हुआ देखा था। जिंदगी में पहली बार बैठी ना कश्ती वाली में और मुझे चक्कर है, दिल बाहर आ गया, तो मेरा निकल गया और मैं शौक से जाके कोने पे बैठ गई। मैंने कहा मजा आएगा यार, इतना ऊंचा ही होता, लेकिन जब ढूंढने जाके ऊपर जा रहा मैंने कहा मैं तो गिर जाऊंगी। मैं टाइट पकड़ के बैठी की बाकी में गिर जाती पूरा। एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए। और गाइस बर्थडे में बहुत मजा आया। हमारा डिनर आ चुका है भाई साहब, देख सकते हैं आप। तो डिनर में हम लोगों ने टोटल मंगवाया है क्लब सैंडविच, डायनामिक प्रॉन्स, हियर इज माय फेवरेट वेजिटेबल चाउमीन, फिश, और बस खाते हैं जल्दी से। वहाँ से हम लोगों ने नमकीन रोटी स्पेस से भी खा लिया था, तो हमने सोचा यहाँ से भी थोड़ा बहुत खा लें, जिसको भूख लग रही है तो बस खाएंगे हम लोग। मिलते हैं। वैसे बड़ा ही मज़ा आ गया, मुझे पैसे दिए थे, मेरे पैसे तो बस लगे, मुझे डर भी लगा और मुझे मज़ा भी आया इस वाले झूले पे, वो कश्ती वाला झूला था। तो बस मिलते हैं आप लोग से खाने के बाद। तो ये हम लोग खाना खाना शुरू हो गए। किस मजा आया ना आप एडवेंचर के बाद, अब मैं से अच्छा वाला डिनर भी करवा दूं। जा तो मैं पहली दफा मैं रोलर कोस्टर के राइड ले लूंगी। इसकी नहीं लेगी तो भाई। गाइस गाइस मेरे फेवरेट डायनामिक प्रॉन्स, एक पानी की बोतल। गाइस बहुत मजे के जैसे ये इनके डायनामिक प्रॉन खाने के बाद ना मेरा शौक मतलब चढ़ा था मुझे कि प्रॉन्स खाऊं, और इनका ये सॉस होता है बहुत मजे के लगते हैं प्रॉन्स। प्रॉन्स होते भी मजे के वैसे। छोटी बच्ची को लेके चली गई थी मैं, 300 रुपए दिए ना, सारे पैसे खराब करवा दिए करके हर चीज में बैठ, इसलिए मैंने नहीं रुकवाया। हर चीज एक्सपीरियंस करूँ ना मैं एक एक दफा, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद वापस में मैं करवा दूंगी एक्सपीरियंस, लेकिन हमारे साथ ही बैठूंगी अब मैं। हम झूले पे भी गए, मज़ा भी बहुत आया, और स्पेशली मेरी चीखें वो तो आप सबने देख ही ली होंगी, क्योंकि भाई जो बात है एक तो मैं मतलब ना हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो मैं फर्स्ट टाइम बैठी और काफ़ी अच्छा रहा। एक फिर बर्थडे थी बच्ची के, इसके बारे में रैपिंग करें भाई साहब, रैपिंग करें, खुदा ने ये भी क्या खूब समा बनाया है, खुदा ने ये भी क्या खूब समा बनाया है। छोटी मनाहिल मरियम अपनी फैमिली के साथ खान साहब रेस्टोरेंट में अपनी बर्थडे का दिन मनाया। अरे वाह वाह, इनके ऊपर फूलों की बारिश, क्योंकि इनके सर पे खुदा की रहमत का सहारा है। वाह वाह, एक शेर बड़े नवाब साहब के लिए कहेंगे, इनकी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी नाम क्या सर का? इरफान। बेगाने होकर भी दीवाने से लगते हैं, बेगाने होकर भी दीवाने से लगते हैं, और बीती यादों के अफसाने से लगते हैं। अरे वाह, तो पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है के आज कवारे से लगते हैं। वाह वाह, ये शेर कितनी बार सुन चुके हैं मुंह के ऊपर। एक शेर हमारे छोटे नवाब साहब के लिए भी कहेंगे, क्या नाम है? सारे। जब भी मिलते हैं टकरा के गुजर जाते हैं, और ये तो मौसम की तरह हर रोज के सारे वेट हो सके तो सारी साहब पे रखना नजर, क्योंकि ये खा पी कर चुपचाप निकल जाते हैं। और एक शेर आप सारे बच्चों के लिए अर्ज करेंगे, जमीन पर रोशनी है तो चांद की वजह से, और बागों में खुशबू है तो फूलों की वजह से, ये रोशनी ये खुशबू सब अपनी जगह पर, इस रेस्टोरेंट में रौनक है तो आप बच्चों की वजह से। वाह वाह वाह, हर दिल में एक अरमान जिंदा है, और दौलत से हर इंसान जिंदा है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जिसके अब तलक माँ बाप। हम लोग जाने लगे हैं एक राइड लेने, लेकिन वो ट्रेन वाली है, कोई ऐसा उसमें कोई ऐसा खतरनाक नहीं है, वो है ट्रेन वाला। ऊपर से पहले से सुनी
मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन जो ऐसे वाली होती है ना, ये जो कष्ट वाली होती है मुझे नहीं गाइस, बाकी में ए है ऐसा है। तो गाइस ये हम फाइनली बैठने लगे हैं ट्रेन के अंदर, और या भाई मुझे तो बैठने दो। यहाँ मैं जॉनी के साथ बैठी हूँ, आगे वो सब बैठे हैं, वो रही हमारी मम्मी, वो बैठे हुए सब। मतलब गाइस तो गाड़ी तो हो गई, मेरा दिमाग अभी भी बच्चा है। ट्रेन जिसमें ये लोग सब बैठे हुए थे, और मेरा फोकस लॉस्ट हो गया कैमरे का, ये आ गया ना अभी आपको दिखते साथ ही। हो गया है और बड़ा ही मजे का डिनर था, बहुत ही मजा आया और काफी अच्छा था डिनर। लोग हमें पहले भी दो तीन बार आ चुकी हूँ, नबिया की बर्थडे पे आए थे हम लास्ट टाइम, और अब हम आए हैं मनाही की बर्थडे पे, तो काफी अच्छा रहा, मजा आया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे से हमारा इंजॉयमेंट हो गया है। इसने भी आज मेरा फुल लुक नहीं दिखाया, तो मैं अपना फुल लुक खुद ही दिखा रही हूँ गाइस। देखें इतनी नाइंसाफी करते हैं ये मेरे बहन भाई, ये देखें इनका लुक देखें आप फुल लुक, और कमरे का हाल देखें पूरा बिखरा हुआ सारा खराब हो जाएगा। मेरा मुंह खराब होगा भाई साहब। नहीं 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 बारिश हो रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये। मारो ये बोझा यहाँ पे, सारा चिकना चिकना करे, बहुत गंदी लग रही है। देखो गाइस इग्नोर कर देगा, मुझे नहीं पता था मेरी हालत ये हो रही है, बहुत गंदा लगता है ये स्नो स्प्रे, जहर लगता है। सालों बाद तो नहाई थी वो मम्मी आज, फिर गंदा कर दिया उसे, अब नहाएगी अगले हफ्ते ये। और गाइस इस बच्ची का टैबलेट गुम हो गया, ये झूठ कह रही है, इससे मिल गया यहाँ नाटक, ये सामने पड़ा है। हमको जिंदा मत छोड़ो, मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके, और मैंने कहा था कि सीट के नीचे होगा गाड़ी, सीट के नीचे किसके था, किन साफी के सीट के नीचे था, मुझे याद आया मैंने डाला। इसे भी मारो, मार साले का खोपड़ी तोड़। ऐसे तो जानवर है मेरे बहन भाई, गाड़ी में बैठे इसका टैबलेट, हमने पूछा कि जिससे गाने लगाती हो कहाँ है, पता ही नहीं है। लेकिन मुझे सब दिमाग में आया कि निकलते टाइम अबू कहते हैं टैबलेट वगैरह सब सामने नहीं छोड़ा करो, तो उन्होंने सीट्स के नीचे डाल देते हैं। मैंने कहा इसका सीट के नीचे होगा क्योंकि कवर नहीं है इसके टैबलेट पे, ठीक है सबको स्कीम में बता दे। तो खैर हम लोग आ चुके हैं घर पर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और मनाहिल कैसी लगी आपको अपनी, आपकी बर्थडे कैसे एंजॉय करा आपने? बस अच्छी, इतना सब हमने इसके लिए करा, और इसका फाइनली मैं कश्ती में बैठ गई हवाई जहाज वाली कश्ती, तो एकदम अच्छा करा तुम्हारी हवा टाइट हो गई। पटाखे की बर्थडे थी ना इसलिए, मनाहिल की बर्थडे थी ना इसलिए, हम सबके बालों में बम फट गया था, बम फटे की बर्थडे थी। तो मनाहिल मसाया कितना, बहुत एक्साइटेड थी अपनी बर्थडे, 1000 ओ माय गॉड 1000। मेरा लुक तो दिखा दो, गाइस मुंह पे गेट बंद करके चले गए फुल लुक दिखाने का। गाइस हियर यू कैन सी माय फुल लुक, चले गए ये बैलून मेरे एक्स्ट्रा फालतू लिया मुझे, बाकी मैं ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ जाऊंगी क्योंकि मेरा कोई खास वेट तो है नहीं, वो ऐसे ऊपर जा रहे, मैंने कहा मैं तो आज गई, मैं तो आज गिरूंगी। क्योंकि गाइस तो मैंने बैलेंस करके बैठी, मैंने मगर अगर मेरा पैर आता तो मैं नीचे गिर रही थी, मेरा पैर डिसबैलेंस हुआ और मैं नीचे जाके गिर गई, और मेरी अब कोशिश हाँ ये कर लो पहले। सो गाइस अब मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग के लिए ब्लॉग्स लाती रहूं, क्योंकि तबियत तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक सेट हो चुकी है, तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग के लिए नए नए ब्लॉग्स आते रहे, इतना ज्यादा लंबा लंबा गैप बीच में ना आए। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करें, और अपना ढेर सारा प्यार हम लोग को देते रहे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, 1K करने हैं हम लोगों को, ठीक है ना। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, hit the bell icon, we'll see you in the next vlog, tab tak ke liye allah hafiz.